देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम सो सॉरी कि मैं इस तरह से यू डिस्टर्ब कर रहा हूं। तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, एक राज। वैसे तो आमतौर पर लड़का और लड़की डिसाइड करते हैं कि उनको हनीमून पे कहां जाना है। सो डीजे वाले बाबू, जरा प्रोजेक्टर तो स्टार्ट करिए। You know what, दी? वो सिर्फ आपको आपके आसपास रहके आपको इरिटेट करना चाहता है। And the worst part is कि आप हो भी रहे हो। मत हो ना दी। Relax। हाँ, ये बात जरूर है कि जब से वो आया है मुझे भी थोड़ा सा weird feeling तो आ ही रहा है। But let it be ना। इतना अच्छा मौका है आज। छोड़ो ना, ये सब मत सोचो। कोई अच्छी बात करते हैं। आप ये बताओ, राजवीर के बारे में बताओ। राजवीर के बारे में आपको क्या लगता है, ये बताओ। क्या उसके बारे में क्या मतलब दी, ये राजवीर है ना, मैंने देखा है, ये मुझे ना देखकर अब जैसे स्माइल करता रहता है। कुछ तो भी है, वो जैसे है ना, वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मैं, वो जिस तरीके से शाहरुख खान काजोल को देखता है, बस मुझे ना वो वैसे वाला ही कुछ शाहरुख खान जैसा फीलिंग आ रहा है। कुछ तो भी है, पता नहीं क्या है। नहीं, मतलब वो तेरे आसपास रहता होगा, लेकिन जैसा तू सोच रही है आई डोंट थिंक वैसा है। माई कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ, और मैं वैसे भी जो भी सोच रही हूँ आपको कैसे पता कि वैसा नहीं है। है ना दी, मैंने देखा है, वो ना वो आपको पता है, वो मुझे देखकर ना स्माइल करता रहता है, हंसता रहता है। मैं देखती हूँ वो मेरे हमेशा ना आसपास ही रहता है, और ना एक ना अलग सी मैंने स्माइल देखी है उसके फेस पे, वो मीठी सी स्माइल देखी है मैंने दी उसके फेस पे। कुछ तो भी बात है, पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। तुझे राजवीर पसंद है? नहीं, वो तो मैं ऐसे ही, मतलब मैं आपको उसके दिल की बात बता रही थी कि मुझे लगता है जैसे उसके दिल में ये सब है। दी, आपको कैसा लगता है राजवीर, ये बताओ, आपको अच्छा लगता है वो लड़का? पागल हो गई है क्या? क्या नॉनसेंस बातें कर रही है? आज शादी है मेरी, वो भी किसी और के साथ, और तू किसी और की बातें कर रही है। अरे यार दी, आजकल तो आपको पता ही है क्या कुछ नहीं होता है, एंड मोमेंट पे दूल्हा दुल्हन अलग हो जाते हैं, दूल्हा भाग जाता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं। शांत हो जा, एक शब्द और नहीं माई, सर दुख रहा है मेरा, प्लीज। नहीं पलकि, माही से तो तूने झूठ बोल दिया, पर राजवीर तो तुझे अच्छा लगता। नहीं, उसके बारे में ज्यादा मत सोच, अपने दिल पे काबू रख। वो एहसास जो उसके लिए तेरे दिल में धड़क रहा है, समझा दे अपने दिल को कि ना धड़के। hey. तेरी प्रॉब्लम क्या है? व्हाट्स अप ब्रो? यही तो मैं पूछने आया हूँ, व्हाट्स अप ब्रो? तू क्या करने आया है यहाँ पे? तू बिना किसी वजह तो कहीं जाएगा नहीं। मुझे बता दे, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे पता है कुछ तो चल रहा है तेरे दिमाग में, क्या प्लानिंग है तेरी यहाँ? डूड, सच में, व्हाट्स योर प्रॉब्लम?
मैं यहाँ आ गया तो एक प्लेट खाना कम पड़ जाएगा क्या? और सब मुझे ये क्यों पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्या करने वाला हूँ, क्या करने आया हूँ? Come on, dude, chill. ये शादी है, दिख नहीं रहा? शादी अटेंड करने आया है। तू ये एंग्री यंग मैन जोन में क्यों रहता है हमेशा? थोड़ा सा नॉर्मल जोन में आ जा। Oh, please. तू ये मासूम बनने की एक्टिंग मत ही कर, तुझ पर सूट नहीं कर रही है। और हाँ, मुझे पता है तू बेवजह कहीं जाएगा नहीं और बिना किसी वजह किसी से टकराएगा नहीं, और तू किसी को भी दिख जाए ना उसका मतलब है उसे शनि दिख गया है। बस तू कहीं का हीरो तो है नहीं कि तुझे देखकर लोग खुश हो जाएंगे। तू एक ऐसा विलन है जो जहां भी जाएगा ना सवाल खड़े करेगा बस, क्योंकि तू क्या चीज है यहाँ पे हर कोई जानता है। तू क्या चीज है ये मैं भी जानता हूँ। चल अब ये लेक्चरबाजी बंद करो, के वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकलेगा। Hey, what the hell यार, ये क्या है यार? Fight, action, लड़ाई झगड़ा, यही सब आता है क्या तुझे? Bad boy वाली reputation मेरी और bad boy वाली हरकतें तेरी। बकवास मत कर, मुझे ये बता कि तू यहाँ पर क्यों आया। ओह, अब समझा। तुझे खाने की प्लेट की टेंशन हो रही है ना? ये ले कुछ पैसे, खाने की प्लेट के एक्स्ट्रा पैसे, और जा खाना खा, मेरा दिमाग मत खा। शौजे मैं कह रहा हूँ, बकवास मत कर, स्टॉप दिस नॉनसेंस और मुझे बता कि तू यहाँ पर क्यों आया, क्या करने आया तू? और हाँ, झूठ मत कहना, ओके? तुझे लगता है मैं तुझे सच बोल दूँगा? हाँ, क्योंकि इतना तो तुझे जानता हूँ मैं कि तू ये पूजा पाठ शादी में आने वालों में से है ही नहीं। मैं बस इतना सोच रहा हूँ कि तू अपना रॉक कॉन्सर्ट, अपना फेवरेट रॉक कॉन्सर्ट छोड़कर यहाँ पर क्यों आया है और क्या करने आया है। सच सुनना चाहता है? हाँ सुनना चाहता है। मैं रॉक कॉन्सर्ट छोड़ के इस शादी में क्यों आया हूँ? घुमा मत, बातों को मत घुमा, मुझे सच सच बता। सच सुनना ही है तो सुन। वैसे तू सच सुनना डिजर्व भी करता है। ये जो पलकी नाम की लड़की है, जब से मुझसे टकराई है ना, मेरी जिंदगी में सिर्फ पनौती ही पनौती छाई हुई है। मीटिंग हो, अवार्ड फंक्शन हो, या लाइफ का कोई भी जंक्शन, मेरे साथ मेरी गुड लक होती ही नहीं है। और पलकी के साथ तू बाय वन गेट वन फ्री, मुसीबत का डबल धमाल, सोने पे सुहागा। मतलब मेरी लाइफ की जो छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी होती है ना, तेरे आने से बड़ी बन जाती है। एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट। इनफैक्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई भी है, तुझे तो याद ही होगा। आई एम ग्लैड कि मुझे उस पुरानी स्टोरी का रिपीट टेलीकास्ट ना करना पड़े। याद या मेरे साथ क्या क्या किया था, समझ ले सबका हिसाब किताब करने आया हूं। कैसा हिसाब किताब है, क्या करना चाहता है तू? अरे इतनी भी क्या जल्दी है, देख तेरा टाइम आया, तूने करके दिखाया, अब अपना टाइम आया, जो करना है, शौर्य करके दिखाएगा। क्या दिखाएगा तू, क्या करने आया तू यहां पर? मुझे सच सुनना है, मुझे सच बता। सस्पेंस, राज, मिस्ट्री। तेरे ये सवाल का जवाब टाइम देगा, तेरा टाइम बदलने वाला है, ये समझ ले, तेरा पूरा वक्त आने वाला है। एक्चुअली पता भी नहीं क्या क्या होने वाला है। इतना पता है कि पलकी की ये शादी तुझे जिंदगी भर याद रहेगी। ये शादी, ये सीजन, और इसे याद रखने के हजारों रीजन। पर एक बात बताऊं, ये भी ना छोटी मोटी यादें हैं, ये सब यादें भी ना छोटी मोटी पड़ जाएंगे। क्या शादी थी, क्या खाना था, क्या नाच गाना था, क्या दुल्हन थी, क्या मेहमान थे। जैसा मैंने कहा, ये शादी, ये स्पेशल मेहमान, ये शादी का सीजन, याद रखने के हजार रीजन। और एक बात, ये शादी सिर्फ तुझे ही नहीं पर यहां पे आए हर एक इंसान को जिंदगी भर याद रहे। सो जस्ट वेट एंड वॉच। शौर्य घुमा फिरा के बात मत कर,
मुझे बता कि तू यहाँ पर क्यों आया है और क्या करने आया है। तू सच बोला ना, छोड़ मुझे। मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे जवाब चाहिए कि तू यहाँ पर क्या करने आया है। मुझे बता शौर्य। Dude, I said leave me. नहीं छोड़ूंगा मैं सच जान के रहूंगा कि तू यहाँ पर क्यों आया है। मुझे बता दे शौर्य। देख अगर तूने सच नहीं कहा ना तो एक दिन तुझे सच बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। Look, I'm warning you. ये सवाल जवाब बंद कर और छोड़ मुझे। I'm warning you, मुझे जवाब दे। छोड़ मुझे। राजवीर छोड़ मुझे यार, क्या कर रहा है? मैं शादी में आया हूँ, मेहमान हूँ, शादी अटेंड करने दे, छोड़ यार। राजवीर ये क्या तरीका है? क्यों रोका मेरे फ्रेंड को? और वो कब से रिक्वेस्ट कर रहा है, जाने दो इसे, शादी अटेंड करने आया है। तो प्रॉब्लम क्या है? छोड़ो इसे। मिस्टर कुकरेजा, थैंक यू। ये बस हर शादी में एक हॉट हेडेड इंसान नहीं होता, थोड़ा सा मूड खराब है इसका। चलिए लेट्स एंजॉय द वेडिंग। दी, मैं ना कुछ सोच रही थी। मैं सोच रही हूँ मैं आपको बता ही देती हूँ। मैं आपको नहीं तो किसको बताऊंगी? और वैसे भी आपको बताऊंगी तो मेरी हेल्प भी हो जाएगी, सिस्टर सिस्टर, है ना? बोल। देखो अभी आपकी तो शादी बस समझ लो हो गई, अब आपके बाद मेरे पीछे तो समझो ऐसे लड़कों की लाइन, लंबी लाइन लगने वाली है। अरे दी समझो लग गई। अब मैं ये सोच रही हूँ इतने सारे लड़कों को मैं कैसे हैंडल करूंगी। ऐसे क्या देख रहे हो? अच्छा सुनो, मुद्दा ये है कि आप जानते हो कि इस मोहल्ले के सारे लड़के माही पे फिदा हैं, ओके? अब इसी मोहल्ले में एक नई एंट्री हुई है हमारे हीरो राजवीर की, है ना? अब दी वो जो लड़का है ना वो मुझे बहुत पसंद है, मतलब अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि वो रांझा मजनू हीर रांझा जैसा प्यार नहीं है मेरा, पर अच्छा लगता है। और इतने टाइम के बाद माही को सिर्फ एक ही लड़का है जो इतना पसंद आया, और वो है राजवीर। प्रॉब्लम ये है कि लड़का अच्छा है तो अच्छे लड़के के पीछे भी तो बहुत सारी लड़कियां होंगी ना, जैसे अच्छी लड़की के पीछे बहुत सारे लड़के हैं। अब उन सब लड़कियों में से अगर राजवीर को कोई पसंद आ गई या कोई लड़की को राजवीर पसंद आ गया तो दी मैं क्या करूंगी, मैं कैसे हैंडल करूंगी? इतने टाइम के बाद एक ही लड़का पसंद आया मुझे। और पता है लोग क्या बातें कर रहे थे? लोग ये बातें कर रहे थे कि ये बड़ी वाली की तो शादी हो ही गई है तो अब छोटी वाली के प्रपोजेस आने स्टार्ट कर देंगे। और वैसे भी मैं तो हूँ ही इतनी अमेजिंग, आपको तो पता ही है ना? ये बात तो सच है, तू है ही इतनी प्यारी कि तेरे लिए रिश्ता नहीं रिश्ते आएंगे। वो तो सच है। अब ये देखो ना, केतन का रिश्ता भी तो पहले मेरे लिए आया था ना। अरे चलो चलो जल्दी चलो, फेरों का टाइम हो गया, बाहर दुल्हन को बुला रहे हैं। कैसे दुल्हन को बुला रहे हैं? हम नहीं जा रहे अभी। उनको बोलो कि पहले 4-5 बार बुलाएं, फिर हम सोचेंगे तय करेंगे कि जाना है भी कि नहीं। आफ्टर ऑल हमारी दी की शादी है और हमारी दी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, समझे क्या? क्यों परेशान कर रही हो उसे? अरे तो माही दी आप तो कुछ भी बोलते हो। चलो पलकी दी। दी कोई इज्जत ही नहीं है मेरी। ओ हेलो, मैं आ रही हूँ। हरिओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवाय स्मरेत पुंडरीकाक्षम तवाभ्यंतर सुचिः। ये लो जी, आ गई मेरी पलकी, चांद सी चमकती हुई पलकी। रौनक लगा दी जी, समा बांध दिया,
लोग कहते हैं चांद में दाग होता है, लेकिन मेरी पलकी चांद से भी ज्यादा उजली है कि नहीं बोलो। आओ बेटा। जाओ बेटा। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम सो 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 सॉरी कि मैं इस तरह से यू डिस्टर्ब कर रहा हूं। और वैसे आप सब लोग तो मुझे जानते ही, और जो नहीं जानते, जिनसे मेरा मिलन नहीं हो पाया है, उन्हें मैं बता दूं कि तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ विशाल। वैसे तो मैं केतन की मौसी का लड़का हूं, मतलब कजन, बट हूं तो भाई। एंड आई एम सो सॉरी पंडित जी कि मैं रस्मों को और ये मुहूर्त को इस तरह से डिस्टर्ब कर रहा हूं, बट आई थिंक मेरे इंट्रोडक्शन पे क्लैप तो बनता है यार। सो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, एक राज। आपको क्या लगता है कि मेरा भाई केतन एक बोरिंग सा फिल्म मेकर है? बिल्कुल नहीं। नो, उसने बहुत ही एक अच्छा सा रोमांटिक प्लान बनाया है। ये तो क्या कर रहा है यार? नो ब्रो नो, आज मैं तेरी बात बिल्कुल नहीं सुनने वाला। वैसे तो आमतौर पर लड़का और लड़की डिसाइड करते हैं कि उनको हनीमून पे कहां जाना है, लेकिन इन जनाब ने अकेले ही अपना हनीमून प्लान करा। रियली? टू बी वाइफी को हनीमून पे कहां लेके जाना है? कहां? By the way, मुझे तो ये प्लान बहुत ही इंप्रेसिव लगा, लेकिन स्टिल मैं आप सबके ओपिनियन देखना चाहूंगा। अगर आपको ये प्लान पसंद ना आए तो आप बता सकते हैं, और मेरा भाई केतन ये प्लान जरूर चेंज कर देगा। डन। तो डीजे वाले बाबू, जरा प्रोजेक्टर तो स्टार्ट करिए। यार, बैकग्राउंड म्यूजिक तो लगा, बिना म्यूजिक के कुछ इंटरेस्टिंग सा नहीं लग रहा है। वो क्या है ना, बिना म्यूजिक की अच्छी चीज भी अच्छी नहीं लगती है। वाह, क्या बात है। हम फिल्म मेकर, यू नो, सो अच्छा सा म्यूजिक लगा, नहीं तो सब कुछ फीका लग रहा है। अरे डीजे वाले बाबू, जरा म्यूजिक लगाइए, हमारे भाई गुस्सा कर रहे हैं। क्या यार, फिल्म मेकर है। फनी है ये।
ये लड़का तो बहुत ही रोमांटिक निकला, लगता है वीजा लगवा के सीधा पेरिस लेके जाएगा। और देखो पेरिस। नहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी बल्कि की शादी उससे करके। हाँ तेरे दिल में जो बात है बोल दे। माँ मेरा दिल दिल है, शीशा नहीं है, और वो मेरी बहन है। I'm so happy for her. So friends, ये है वो जगह जो मेरे भाई केतन ने हनीमून के लिए प्लान की थी। क्या बात है, क्या बात है। पेरिस, प्यार करने वालों का शहर, एक न्यूली वेड कपल, हाथों में हाथ, पूरे शहर का सफर, और दो अजनबी बन जाएंगे हम सफर। पेरिस में प्यार का नजारा ही कुछ और होता है, दिल का नजारा बदल जाता है। बस कर यार, अब विशाल हो गया।